दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बैंक अकाउंट को बंद किस प्रकार से करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपना अकाउंट इंडसइंड बैंक में ऑनलाइन ओपन कर लेते हैं या फिर ऑफलाइन ओपन कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें अकाउंट को बंद करना होता है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बड़ी आसानी से अपना अकाउंट बंद कर सकते हैं। आप किसी भी कारण से अपना अकाउंट बंद करना चाहते हैं, हो सकता है आपके लिए ब्रांच से सर्विस अच्छी ना मिल रही हो, कस्टमर सपोर्ट अच्छा ना मिल रहा हो, इसके अलावा हो सकता है कि आप अपने इंडसइंड बैंक के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना रख पा रहे हो। इसे कई प्रकार के अलग अलग यहां पर आपके जो है कारण हो सकते हैं अकाउंट बंद करने के। तो किसी भी कारण से अपना अकाउंट अगर आप बंद करना चाहते हैं तो ये एक डिटेल्स वीडियो है। इसमें हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे किस प्रकार से आपके लिए अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरना है, किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखना है आपके लिए, कितना चार्ज लगेगा अकाउंट बंद करने का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी जानकारी को बिल्कुल विस्तार से समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। गाइस एक बात हम आपके लिए पहले ही क्लियर कर दें, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्रोसेस से अपना इंडसइंड बैंक में कोई भी अकाउंट बंद कर सकते हैं, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो या कोई जीरो बैलेंस अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, आप सारे अकाउंट को इस प्रोसेस से बंद कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। देखो इंडसइंड बैंक में अकाउंट बंद करने के लिए सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा, पैन कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा और अपने बैंक अकाउंट की पासबुक का एक फोटोकॉपी लगेगा। अगर आपके पास पासबुक नहीं है तो जरूरी नहीं है, जो डॉक्यूमेंट आपको बैंक से मिला है, चेकबुक, पासबुक, डेबिट कार्ड, इन तीन में से अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपको लगेगा, लेकिन अगर बैंक से डॉक्यूमेंट आपने लिया नहीं या फिर मिला नहीं तो आपका अकाउंट विदाउट डॉक्यूमेंट के भी बंद हो जाएगा। बाकी आपके मेन डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड रहेगा। आगे हम बात करते हैं चार्ज की कि इंडसइंड बैंक में अगर किसी व्यक्ति को अपना अकाउंट बंद करना है तो उसका चार्ज कितना लिया जाता है। तो अगर आप अपना अकाउंट ओपन करने के 2 हफ्ते के अंदर अपना अकाउंट बंद कराने जाते हैं बैंक में तो बैंक आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेगा, फ्री में आपका अकाउंट बंद कर देगा। लेकिन अगर आप अपना अकाउंट 2 हफ्ते के बाद बंद कराते हैं तो फिर यहां पर आपको 200 रुपए का चार्ज अपने अकाउंट को बंद कराने पर देना पड़ेगा। अब आपको अकाउंट बंद करने के लिए सबसे पहले तो 2 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। नंबर 1 अकाउंट क्लोजर फॉर्म, नंबर 2 अकाउंट बंद करने के लिए एक ब्रांच मैनेजर के लिए एप्लीकेशन। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको किस प्रकार से तैयार करना है, चलिए एक बार लैपटॉप की स्क्रीन पर समझ लेते हैं। तो गाइस इंडसइंड बैंक में अकाउंट बंद करने के लिए आपके लिए ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ये अकाउंट क्लोजर फॉर्म आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपके लिए ये फॉर्म आपकी ब्रांच से ही मिल जाएगा। और यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप इस अकाउंट से सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों ही बंद कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को किस प्रकार से भरना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर डेट डालना है जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हैं। इसके बाद यहां पर आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। नीचे यहां पर आपको अपना पूरा नाम डालना होगा। तो यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट होल्डर, सेकंड होल्डर एंड थर्ड होल्डर। तो अगर आपका खुद का अकाउंट है तो आप यहां पर केवल अपना नाम डाल दीजिएगा पूरा। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आप दूसरे पर्सन का नाम डाल दीजिएगा यहां पर। अगर 3 व्यक्तियों ने अकाउंट खुलवाया है तो यहां पर तीसरे व्यक्ति का भी नाम आप यहां पर डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपको यहां पर नाम डाल देना है। थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहां पर आपको ये बताना होगा कि आपके सेविंग खाते में जो पैसा है वो आप किस प्रकार से विड्रॉल करना चाहते हैं। तो नंबर 1 ऑप्शन मिलता है वाई कैश का, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपके लिए आपका पैसा कैश मिल जाएगा ब्रांच से, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि आप केवल 20,000 रुपए तक का अमाउंट ही ब्रांच से कैश में ले सकते हैं। तो अगर आपका 20,000 रुपए से ऊपर का अमाउंट है तो आप यहां पर DD बनवा सकते हैं, उसकी डिमांड ड्राफ्ट ले सकते हैं या फिर आप अपने किसी दूसरे अकाउंट में उसको ट्रांसफर करा सकते हैं। अगर दूसरे वाले अकाउंट में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो यहां पर आप इस ट्रिक पे क्लिक करेंगे और यहां पर आप नीचे अपने दूसरे अकाउंट की पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि अपने दूसरे बैंक अकाउंट का नंबर, कौन सी ब्रांच है, IFSC कोड क्या है, एड्रेस क्या है। इसके बाद यहां पर आपको नीचे सिलेक्ट करना होगा रीजन कि आप अपने अकाउंट को क्यों बंद करना चाहते हैं। देखिए यहां पर कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपका सैलरी अकाउंट था, जॉब चली गई आपकी तो बंद करना चाहते हैं, या फिर आपका ब्रांच का व्यवहार अच्छा नहीं है, या फिर आपका अगर इनमें से कोई भी रीजन नहीं है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कई सारे रीजन है यहां पर, टोटल देखिए आपको 12 रीजन मिलते हैं, आप कोई भी एक रीजन यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बैंक ये जानना चाहती है कि लोग हमारे अकाउंट क्यों बंद कर रहे हैं, इसलिए ये रीजन कस्टमर से पूछती है। दूसरे नंबर पे पेज रहेगा फिक्स डिपॉजिट क्लोज करने का। तो हमारा फिक्स डिपॉजिट नहीं है, अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपका फिक्स डिपॉजिट भी वो बंद कर देंगे। अगर आपका फिक्स डिपॉजिट नहीं है तो आप इस फॉर्म को मत भरिएगा, इसको आप छोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो यहां पर एक और आपको फॉर्म मिलेगा जिस पर लिखा होगा फॉर बैंक यूज ओनली। अब ये जो है यहां पर फॉर्म है इसको आपको नहीं भरना है, इसके लिए बैंक भरेगा। नीचे आपको एक और यहां पर स्लिप मिलेगी, यहां पर कट लगा रहेगा,
तो ये स्लिप आपको मिलेगी। जब आप ये फॉर्म भर के जमा करेंगे बैंक में तो बैंक आपके अकाउंट को क्लोज करने का रिक्वेस्ट डालेगा, तो प्रूफ के तौर पर आपके लिए इस स्लिप देगा यहां से फाड़ के, और इस स्लिप में आपका डेट, बैंक का स्टाम्प, सिग्नेचर रहेगा, और यहां पर आपका रिक्वेस्ट नंबर रहेगा, जो भी आपका रिक्वेस्ट नंबर होगा जिसे आप ट्रैक कर पाए कि आपका अकाउंट बंद हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्म भरना है। बस आपको सिंपल सा बात समझ लीजिएगा, जो पहले नंबर का फॉर्म है इसको भरना है यहां तक, बाकी का सारे के सारे जो फॉर्म है वो छोड़ देना है। इस प्रकार से आप फॉर्म भर लीजिएगा। अब आपको ब्रांच मैनेजर के लिए एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी देखिए यहां पर शो कर दिया है हमने। आप इस प्रकार से अपना एप्लीकेशन लिख लीजिएगा। एप्लीकेशन में यहां पर आप सबसे पहले लिखेंगे सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, और अपनी शाखा का एड्रेस डाल देंगे जो भी आपकी ब्रांच है। इसके बाद विषय डालेंगे और यहां पर आप लिखेंगे अपना बचत खाता बंद कराने के संबंध में। इसके बाद आप लिखिए यहां पर महाशय सविनय निवेदन है कि मेरा नाम, जो भी आपका नाम है आप पूरा नाम डालेंगे, यह मेरा बचत खाता आपके बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा, अपना यहां पर शाखा का नाम डालेंगे है, जिसका खाता संख्या अपना खाता नंबर डालेंगे यहां पर। मैं अपना व्यक्तिगत कारणों से, या फिर आपका जो भी कारण है, हो सकता है आपको ब्रांच की सर्विस पसंद ना आ रही हो, या फिर आप मिनिमम एवरेज बैलेंस ना रख पा रहे हो अपने खाते में, कुछ भी रीजन आपका हो सकता है, कस्टमर सपोर्ट बढ़िया ना लग रहा हो आपको, या आपने किसी दूसरी बैंक में खाता खुलवा लिया हो, तो जो भी आपका रीजन है यहाँ पर आप वो डाल सकते हैं। या पर आप इतना डाल दीजिएगा कि मैं अपने किसी व्यक्तिगत कारण से अपना ये बचत खाता बंद कराना चाहता हूँ, अतः श्रीमान आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि मेरा यह बचत खाता बंद करने की कृपा करें, और मेरे इस बचत खाते में जितनी भी रकम शेष है वह मुझे नगद देने की कृपा करें। या फिर आप अगर बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि मेरी यह राशि मेरे दूसरे सेविंग खाते में देने की कृपा करें। इसके बाद आप यहां पर लिखेंगे आपका विश्वासी नाम डालेंगे, खाता संख्या डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, पता लिखेंगे, दिनांक डालेंगे, और आप यहां पर अपना साइन कर देंगे। आपका एप्लीकेशन रेडी है। अब हम बात करते हैं अकाउंट बंद करने के प्रोसेस की, कि किस प्रकार से अकाउंट को बंद करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इंडसइंड बैंक में ऑनलाइन अकाउंट बंद नहीं होगा, आपको ऑफलाइन तरीके से ही अपना खाता बंद करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपनी नजदीकी इंडसइंड बैंक की ब्रांच में जाना पड़ेगा। तो जो भी आपकी होम ब्रांच है वहां पर आप जाइएगा, और अपने साथ में कुछ डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, जैसे कि आपके आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी, अगर आपको पासबुक मिली है तो आपको पासबुक ले जाना है, चेकबुक और डेबिट कार्ड, ये यहां पर आपको तीन डॉक्यूमेंट अवश्य ले जाना है, क्योंकि कई सारी इंडसइंड बैंक की ब्रांचों में आपसे ये डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं और यहां पर उनको ब्लॉक किया जाता है। जैसे आपका डेबिट कार्ड चल रहा है तो बैंक डेबिट कार्ड को अकाउंट बंद करने से पहले ब्लॉक करेगी, बाकी आपकी चेकबुक को भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट ले जाना है अपने साथ। आपको एक बात का यहां पर ध्यान रखना है कि अकाउंट बंद करने से पहले आप चेक करें कहीं आपका खाता बैंक ने माइनस में तो नहीं कर दिया है। अगर आपका अकाउंट बैंक ने माइनस में कर दिया है तो अकाउंट आपका बंद नहीं होगा, उसके लिए पहले आपको माइनस बैलेंस रिमूव कराना पड़ेगा। इस पर हमने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं चैनल पर, आप देख लेना कि किस प्रकार से फ्री में अपना माइनस बैलेंस रिमूव कराते हैं। अगर आपके खाते में माइनस बैलेंस हो चुका है तो आप ब्रांच में जाइएगा, वहां पर आप बात करिएगा कि सर आरबीआई का ऐसा कोई भी रूल नहीं है, आपने जो माइनस बैलेंस किया है प्लीज इसको आप रिमूव कर दीजिएगा, तो वो माइनस बैलेंस रिमूव कर देंगे, नहीं करते तो आप वो वीडियो देख लेना, उसमें सारा प्रोसेस हमने बता दिया आपके लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट ले जा करके आपको ब्रांच में जमा कर देना है। इसके बाद इंडसइंड बैंक के कर्मचारी आपके अकाउंट को बंद करने की रिक्वेस्ट डालेंगे, तो आपको वेट करना है और 3 दिन से लेकर के और 7 वर्किंग डे के अंदर आपका इंडसइंड बैंक का अकाउंट स्थायी रूप से इंडसइंड बैंक की तरफ से बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना अकाउंट बंद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल आपके लिए बताएंगे यूट्यूब पर कि ऑनलाइन मेल कर दीजिए आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, तो यार देखो झूठ बहुत चल रहा है आजकल यूट्यूब पर, लेकिन सच्चाई यह है कि इंडसइंड बैंक या फिर कोई सी बैंक को मेल करने से आपका अकाउंट बंद नहीं होता है। सोचिए जब अकाउंट ओपन करते हैं हम तो हमारे लिए क्या क्या करना पड़ता है, केवाईसी करनी पड़ती है, सारी डिटेल डालनी पड़ती है, अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो अकाउंट वहां पर हमारा ओपन नहीं होता है। तो इतनी सारी प्रोसेस से अकाउंट खुलता है हमारा, तो क्या एक मेल करने से हमारा किसी बैंक में अकाउंट बंद हो सकता है? आप खुद इस बात को सोच सकते हैं, किसी बैंक में मेल करने से अकाउंट बंद नहीं होता है। हाँ, कुछ बैंकें हैं जो ऑनलाइन अकाउंट बंद करने की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है कि कुछ लिंक मिलता है यूनिक, उस पर क्लिक करके उसको वेरीफाई करने के बाद आपके लिए वहां पर एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, तब आपका अकाउंट बंद होता है। लेकिन इंडसइंड बैंक में ऑनलाइन अकाउंट बंद नहीं होगा, ऑफलाइन तरीके से आपको जाना ही पड़ेगा ब्रांच में, जो भी आपकी नजदीकी ब्रांच है वहां पर जाकर के आपको अपना खाता बंद कराना पड़ेगा। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में आप सारा प्रोसेस समझ गए होंगे किस प्रकार से खाता बंद करना है। अगर आप ये अकाउंट बंद करने के बाद कोई अच्छा सा अकाउंट ढूंढ रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफी सारी बैंकों के जीरो बैलेंस अकाउंट के लिंक दिए हुए हैं, आप क्लिक करके घर बैठे बैठे ओपन कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।